CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए मित्रों, अब चलते हैं कक्षा 5 की ध्वनि शाला में। प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी की तरफ से ढेर सारा प्यार और नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी भारत की नहीं है, ये कहानी है तिब्बत की। हम जो कहानियां कहते हैं, सुनते हैं, वे सब कहानियां हमारी संस्कृति का एक हिस्सा होती हैं, या यूं कहें कि संस्कृति का ही एक रूप पुरानी कहानियों में अभिव्यक्त होता है। जो कहानियां सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं, उन्हें लोक कथा कहते हैं। ये कहानियां आज हमें किताबों में पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक ये लोगों की यादों में ही जीवित रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती रही हैं। दुनिया के हर समाज में लोक कथाएं सुनी सुनाई जाती हैं। इनमें से कुछ कहानियां मिलती जुलती होती हैं, लेकिन हर जगह की लोक कथा अपना कुछ अलग रूप लिए भी रहती है। आज जो आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये तिब्बत की लोक कथा है। तो आज हम सुनेंगे तिब्बत की लोक कथा, लेकिन कहानी का नाम क्या है ये तो मैंने बताया ही नहीं। आपने पूछा भी तो नहीं। तो आपने अगर कहानी का नाम पूछा है तो मैं कहानी का नाम बता देती हूँ। कहानी का नाम है राख की रस्सी। ये कैसा नाम है? ये ही तो नाम है, राख की रस्सी। आप सोच रहे होंगे बच्चों कि राख की रस्सी कैसे बन सकती है। रस्सी तो अलग होती है और राख अलग होती है, और राख की रस्सी कैसे बन सकती है? तो बस यही राज है इस कहानी का। इस कहानी में ऐसे बहुत सारे राज छिपे हुए हैं जिन्हें सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। तो हम शुरू करें अपनी कहानी। तो लीजिए, पेश है आप सब बच्चों के लिए एक लोक कथा, तिब्बत की लोक कथा राख की रस्सी। पता है बच्चों, लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था, चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? बस यही चिंता लोनपो गार को सताती रहती थी। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। बच्चों, जानते हैं आगे क्या हुआ? लोनपुगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहां थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी पता है क्या हुआ? तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपुगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। अब बेचने से जो रुपए मिले, उससे उसने जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपुगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन पता है क्या किया?
दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोन पुगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और पता है बच्चों क्या हुआ? हुआ भी वही कि वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीद लिए। बोरे लोन पुगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। पता है आगे क्या हुआ? भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोन पुगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोन पुगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। पता है लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोन पुगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। पता है बच्चों क्या हुआ होगा आगे? अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोन पुगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोन पुगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोन पुगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। कैसी लगी आपको कहानी? अब पता चला इस कहानी का नाम क्यों था, राख की रस्सी। दरअसल कहानी में जो सबसे अंत में हुआ, कहानी का नाम उसी के आधार पर रखा गया। लेकिन आप इस कहानी के और बहुत सारे नाम सोच सकते हैं। कहानी का नाम हो सकता है लड़की की चतुराई, या लड़की की होशियारी, या फिर लोन पुगार का घमंड चूर हो गया, या घमंडी लोन पुगार। आप इस कहानी का कोई भी नाम रख सकते हैं। कहानी में जो कुछ हुआ, जैसे जैसे घटा, बस आप उन्हें ध्यान से सोचिए और उसके आधार पर आप कहानी का कोई नाम रख सकते हैं। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि लोन पुगार अपने बेटे के बारे में इतना चिंतित क्यों था? कहानी में तो ये कहा गया है कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छू कर भी नहीं निकली थी। लेकिन क्या भोला होना अच्छी बात नहीं है? क्या होशियारी, बहुत होशियार होना ही चाहिए सभी को? और होशियारी का मतलब क्या है? तो बच्चों, भोलापन, सहजता, छल कपट ना हो, ये अच्छी बात है। लेकिन लोन पुगार अपने बेटे के बारे में ये सोच कर परेशान थे कि न जाने मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, दुनिया तो उसे बेवकूफ बना लेगी। लेकिन ऐसा नहीं था। ये अच्छी बात है कि लोन पुगार भोला था, होशियारी नहीं थी उसमें, यानी कि छल कपट उसमें नहीं था। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी थी, और वह क्या बात थी बच्चों? वह यह बात थी कि जब जब लोन पुगार ने बेटे को कोई काम करने के लिए कहा, तब तब लोन पुगार के बेटे ने वो काम किया। लेकिन लोन पुगार के बेटे ने अपने पिता से ये सवाल नहीं किया कि ये काम आप उसे क्यों दे रहे हैं। बस लोन पुगार ने अपने बेटे से काम करने के लिए कहा और लोन पुगार के बेटे ने वह काम कर दिया। अब आपको ये सोचना है कि अगर इस कहानी में लड़की नहीं होती तो क्या होता? तो कहानी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती। कहानी कहाँ खत्म होती,
वहीं जहां पहली बार लोनपोगार ने अपने बेटे से कहा कि तुम ये भेड़ लेकर जाओ और जौ के 100 बोरों के साथ वापस आना, तो कहानी तो वहीं खत्म हो गई होती। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं, नहीं, कहानी वहां खत्म नहीं होती। लेकिन क्यों नहीं होती? वह इसलिए नहीं होती, अगर लड़की नहीं मिलती तो कोई और मिलता, कोई और व्यक्ति मिलता लोनपोगार के बेटे को और वह इस समस्या का समाधान बता देता। अच्छा बच्चों, आप एक बात और सोचिए, क्या ये जरूरी है कि हमारे पास कोई समस्या हो और हर बार हमें कोई व्यक्ति उस समस्या का समाधान बताए? ये तो जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम कभी समझदार बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समस्या आएगी और हमें लगेगा कि उस समस्या को सुलझाने के लिए कोई एक व्यक्ति हमारी मदद करेगा और फिर हमारी समस्या सुलझ जाएगी। यानी हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। और हमें करना क्या है? हमें यही करना है, अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसका समाधान खोजने की कोशिश करें, खूब जोर डालें अपने दिमाग पर कि अच्छा ये समस्या है तो इसका समाधान क्या हो सकता है। लेकिन लोनपोगार के बेटे को हर बार वो लड़की मिल गई, लड़की ने एक समाधान बता दिया, वही समाधान लेकर लोनपोगार का बेटा अपने पिता के पास चला गया। तो यानी कि लोनपोगार के बेटे को तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपनी समस्याओं के समाधान खुद खोजने हैं। अगर नहीं भी मिल पाए मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तसल्ली तो होगी ना कि हमने मेहनत की है, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप अपने दिमाग में जितनी तरह के समाधान खोज सकते हैं वो खोजने की कोशिश करते, धीरे धीरे हम समस्याओं का समाधान करने लगते, बस ऐसे होता जाता। लोनपोगार के बेटे ने जब दूसरी बार लड़की से समाधान मांगा तो उसने ये भी सोचा था और उसे ये लग रहा था कि लड़की यहाँ जरूर आएगी। तो लोनपोगार के बेटे को ऐसा क्यों लगा कि वह लड़की मुझे दोबारा मिलेगी? अगर वह लड़की नहीं मिलती तो कहानी कैसे आगे बढ़ती? तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे कह रहे होंगे कि अगर यह लड़की दोबारा नहीं मिलती तो कोई तीसरा व्यक्ति मिलता, और कोई तीसरा व्यक्ति मिलता तो लोनपोगार के बेटे की समस्या का समाधान भी बता देता, तो कहानी फिर आगे बढ़ती। तो लोनपोगार ने उस लड़की की परीक्षा क्यों लेनी चाहिए? आपको इसका जवाब मिलता है कुछ? सोचिए। अब आपकी इस समस्या का समाधान करने के लिए ना तो लड़की आएगी और ना कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और ना ही मैं आपकी मदद करूंगी। तो बच्चे सोचिए कि लोनपोगार ने उस लड़की की परीक्षा क्यों ली? आप में से कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि लोनपोगार अपने आप को बहुत चतुर समझता था और उसे ये नहीं लगता था कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा चतुर हो सकता है। ये तो हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि लोनपोगार आखिर उस लड़की तक पहुंचना चाहता था कि वो कौन व्यक्ति है जो मेरे बेटे की मदद कर रहा है, वह उस व्यक्ति की चतुराई की परीक्षा लेना चाहता था। लेकिन कुछ बच्चे ये भी तो कह सकते हैं कि लोनपोगार अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित था कि मेरे बाद उसका क्या होगा। याद आया आपको कहानी में? बिल्कुल सही कहा आपने, लोनपोगार को ये चिंता रहती थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, और अगर कोई व्यक्ति मेरे बेटे की इस तरह से मदद कर रहा है तो यकीनन वह बहुत समझदार होगा, और अगर मैं उस व्यक्ति के साथ अपने बेटे को छोड़ दूं या उस व्यक्ति को अपने घर ले आऊं तो मेरे बाद मेरा बेटा और वह व्यक्ति साथ साथ रहेंगे, तो मेरे बेटे के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो लोनपोगार के बेटे ने जब हर बार आकर अपनी आपबीती सुनाई, उस लड़की की चतुराई के बारे में बताया, तो लोनपोगार को ये तसल्ली हो गई थी, अगर इस लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी हो जाती है तो फिर मैं चैन से रह सकता हूँ, फिर मुझे अपने बेटे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए लोनपोगार ने उस लड़की की परीक्षा लेनी चाहिए। और उसने परीक्षा के लिए क्या चुना था?
उसने परीक्षा के लिए एक असंभव बात चुनी थी। और ये असंभव बात क्या थी? असंभव बात यही तो थी, राख की रस्सी। यानी कि एक राख की रस्सी कैसे बन सकती है? रस्सी को तो हम पकड़ते हैं, रस्सी को पकड़कर हम ऊपर चढ़ जाते हैं, रस्सी से हम सामान को बांधते हैं और नीचे डाल देते हैं, लेकिन राख की रस्सी तो कैसे काम करेगी? और कहानी में ये भी तो कहा गया है कि राख की रस्सी को तो हम छू भी नहीं सकते, जैसे ही छुएंगे उसे वैसे राख बिखर जाएगी और रस्सी खत्म हो जाएगी। तो लोन पुगार को ये समझ में आने लगा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि राख की रस्सी बन जाए, इसलिए उसने लड़की की ये शर्त मान ली थी कि हाँ मैं राख की रस्सी लेकर आऊंगी, लेकिन आपको उसे पहनना होगा। बस लोन पुगार यही मात खा गए और लड़की की चतुराई के सामने उनकी अपनी चतुराई धरी की धरी रह गई। तो मजा आया इस कहानी में? आपके पास भी तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारे चतुराई वाले सवाल होंगे जिनके जवाब खोजने में आपको मजा आएगा। तो आप कुछ ऐसी ही मजेदार समस्याएं खोजिए और उनके समाधान खोजिए और हमें जरूर बताइएगा। तब तक मैं उषा दीदी आप सभी से विदा लेती हूँ और आप सब बच्चों को ढेर सारा प्यार और नमस्कार, इस उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहायक मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।